तो अगर आप लोगों को लाइफ टाइम तक फ्री में व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए और साथ ही साथ उधर से अर्निंग भी चाहिए, तो आप सभी लोग इसको बहुत ही इजीली एसईओ के थ्रू कर सकते हो। एसईओ मतलब कि जब भी आप सभी लोग यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ कुछ वीडियो डिस्प्ले होता है, वो वीडियो डिस्प्ले कराने के लिए जो वीडियो का ऑनर होता है वो कुछ मुझ उसमें ट्रिक्स अप्लाई करता है, तो वही ट्रिक को हम लोग सिंपली एसईओ बोलते हैं। आप लोग भी कुछ मुझ ट्रिक अप्लाई करके अपने वीडियो को भी यूट्यूब पे रैंक करा सकते हो। यूट्यूब पे रैंक कराने के लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर नहीं करता, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, जैसे कि वीडियो का एंगेजमेंट कैसा है, कितना लोग लाइक कर रहे हैं, कितना डिसलाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट्स है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, वीडियो पे वॉच टाइम कितना है, चैनल पे सब्सक्राइबर कितना है, और इस सब के बीच भी एक सबसे मेन चीज़ है जो कि है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोग इसको अच्छे से लिखते हो तो ही आपका वीडियो जो है रैंक करने वाला है। तो ये वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एकदम सही तरीके बताने वाला हूँ टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आज का शाउट आउट का बात कर लेते हैं। तो आज का शाउट आउट हम लोग देने वाले हैं सूरज गुप्ता को। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भी शाउट आउट हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके अभी नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शाउट आउट दे सकूं। चलिए चलते हैं वीडियो का टॉपिक की तरफ। तो गाइस इसमें जो है जब भी आप सभी लोग अपना वीडियो को एडिट वगैरह कर लीजिएगा तो अपलोड करने से पहले वहाँ पे अपना वीडियो का जो है नेम चेंज कर दीजिएगा, रीनेम कर दीजिएगा। यानी कि मान लीजिए आपका वीडियो है हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब, तो आप लोग फाइल का नेम दे दीजिएगा अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब। उतना लिखने से क्या होगा गाइस कि आप लोगों का जो वीडियो है उस पर यूट्यूब का एल्गोरिथम एक कीवर्ड को पहले फिक्स कर लेगा। उसके बाद जो है आप लोगों का तीन चीज मेन है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। टाइटल गाइज आप सभी लोग 100 वर्ड तक लिख सकते हो, जिसमें कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ 50 से 70 वर्ड तक आप लोग लिख लीजिएगा। उसमें जो है आप लोग ऐसा कीवर्ड इंक्लूड कीजिएगा जो कि थोड़ा देखने में क्लिकी भी हो और साथ ही साथ सर्चेबल भी हो। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने वीडियो बनाया है कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाए, तो उसको आप सभी लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हाउ टू क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब। लेकिन वो कीवर्ड पे आप लोग देखोगे सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो कंपटीशन है कंपटीशन भी बहुत ही हाई है, जिससे कि आप लोग उस पर रैंक नहीं कर सकते। अभी कंपटीशन कैसे देखा जाता है, सर्च वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, ये सभी आप सभी लोग इजीली देख सकते हो एक एक्सटेंशन के मदद से जो कि है ट्यूब बडी, जिसपे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो वैसा आप लोगों को जब सर्च करोगे यूट्यूब पे हाउ टू क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब, तो उसके बाद आप सभी लोगों को सिंपली एक स्पेस प्रेस करना है। जब आप सभी लोग स्पेस प्रेस कर दोगे वहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत ही बड़ा बड़ा, उससे भी बड़ा बड़ा आप लोगों को कीवर्ड्स वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसमें से आप लोगों को कोई एक सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपका वीडियो को रिलेटेड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ हाउ टू क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब इन मोबाइल। उसके बाद कहीं आप सभी लोग देखोगे तो वो कीवर्ड तो सर्च वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही है, लेकिन उस पर कॉम्पिटिशन भी कम है, जिसपे कि हम सभी लोग अच्छे तरीके से रैंक भी कर पाएंगे। तो उसको हम सभी लोगों को सिंपली अपना टाइटल बना लेना, और टाइटल को थोड़ा क्लिकी ही रखिएगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपका वीडियो डिस्प्ले होगा वहाँ पे पहले आपका टाइटल ही दिखाया जाएगा, चाहे यूट्यूब सर्च, गूगल सर्च, अभी कहीं पे भी आपका वीडियो डिस्प्ले होगा तो सबसे पहले आपका जो टाइटल है वही दिखने वाला है। और दूसरा चीज आता है गाइस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का गाइस एक चीज आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है फर्स्ट 150 वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट 150 वर्ड जो है वो आप सभी लोगों का गूगल सर्च पे भी डिस्प्ले होगा, यूट्यूब पे भी कोई सर्च करता है तो फर्स्ट 150 वर्ड ही डिस्प्ले होता है। अगर आप लोगों का वीडियो को रैंक कराना है तो आप लोगों का वो फर्स्ट 150 वर्ड में आपको एक ना एक बार अपना कीवर्ड को इंक्लूड करना ही है। अगर मान लीजिए कि आपका वीडियो है हाउ टू क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब, तो आप सभी लोग 150 वर्ड के अंदर उसको रखना ही है। जैसे कि आप सभी लोग लिख सकते हो वांट टू नो हाउ टू क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब इन 2021, या फिर लिख सकते हो डू यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, वैसा कुछ लिख सकते हो। लेकिन फर्स्ट 150 वर्ड में आप लोग एक बार अपना कीवर्ड को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। उससे थोड़ा सा नीचे आप सभी लोग अपना सोशल मीडिया का लिंक्स दे सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप जहाँ पे भी हो उसका लिंक दे सकते हो। उसका नीचे आप सभी लोगों को क्वेरीज सॉल्व लिख के थोड़ा बहुत कीवर्ड उसमें भी ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को जब टैग्स के बारे में बताऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद आप सभी लोग उसका नीचे लिख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उसके बाद आप सभी लोग चाहो तो अपने अमेजन वगैरह का एफिलिएट लिंक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद गाइस जो सबसे मेन चीज आता है वो आता है टैग्स। अब आप लोगों को टैग लिखना होगा। टैग में गाइस सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जो कीवर्ड है, जो टाइटल है, मेन टाइटल को ही आप लोग एक बार लिख दीजिएगा।
एक एक टैग तो आप लोगों को लिखना ही है, जो आपका टाइटल है उसको तो एक बार सबसे पहले ही लिखिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट दो या फिर तीन टैग होता है उसी को स्पेशली सर्च इंजन वगैरह लेता है। तो आप लोग फर्स्ट में अपना टाइटल लिख लीजिएगा, उसके बाद आप सभी लोग सेम टाइटल को अपना यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे नीचे सजेशन में आप लोग देखोगे तो बहुत सारा कीवर्ड्स उसी का रिलेटेड यूट्यूब आपको सजेस्ट कर देगा। तो चार पांच कीवर्ड आप लोगों को वहां से भी उठा करके कहीं पे पेस्ट करके रखने हैं, आप लोग चाहो तो नोटपैड वगैरह में पेस्ट करके रख सकते हो। उसके बाद आप सभी लोग एक बार अपना चैनल का नेम लिख दीजिएगा टैग में। उतना लिखने के बाद गाइस आप सभी लोग जब उस सेम टाइटल को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पे ट्यूब बर्डी खुद से आप लोगों को तीन कीवर्ड और सजेस्ट कर देगा, तो वो तीन कीवर्ड को भी आप लोगों को कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करके रख लेना है। उसके बाद आप सभी लोग सेम कीवर्ड को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा वीडियोज रैंक होगा, जो भी वीडियो रैंक होगा उसमें से आप सभी लोग टॉप थ्री वीडियोज पे क्लिक कीजिएगा। टॉप थ्री वीडियो में जितना भी टैग्स है आप सभी टैग को कॉपी करके अपना नोट पैड में पहले पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप लोग देखोगे कि आपके पास 20 25 30 टैग हो गया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 20 25 टैग में से जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगे और साथ ही साथ जो आपका वीडियो का रिलेटेड हो उसी को आप सभी लोग कॉपी कर लीजिएगा। उसमें से आप सभी लोग 7 या फिर 8 टैग 10 टैग तक मैक्सिमम आप लोग निकाल सकते हो। उतना निकालने के बाद आप सभी लोग उसमें अच्छे तरीके से टैग्स वाले सेक्शन में भर दीजिएगा। टैग में आप सभी लोग 400 वर्ड तक ही रखिएगा, क्योंकि उसमें 500 लिमिट तो है लेकिन 400 रखिएगा तो अच्छा होगा। 400 से ऊपर जाएंगे तो YouTube थोड़ा उसको स्पैम टाइप समझने लगता है, इसलिए आप सभी लोग 400 वर्ड तक वो टैग लिख दीजिएगा। उतना लिखने के बाद वहाँ से ही आप सभी लोग 7 या फिर 8 और दूसरा कीवर्ड्स को उठा करके अपना जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी सॉल्व करा था वहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉमा बिल्कुल भी नहीं लगाना, आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हो, 1 2 3 4 करके लिख सकते हो, वैसे ही लिख दीजिएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कॉमा बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिख करके पोस्ट कीजिएगा अपना वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानना होगा तो मैं यहाँ पे एक आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग क्लिक करके और भी ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च के बारे में जान सकते हो।